अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम तदपदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन जो होता है वो हर प्रकृति की हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पर, बड़ी से बड़ी चीज पर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। और मीन राशि वालों के लिए तो इस वक्त समय बड़ा विचित्र चल रहा है। और देखिए, नया वर्ष आरंभ हो चुका है और नए वर्ष आरंभ का के साथ साथ जब भारतीय संस्कृति जिसे नया वर्ष बोलती है और वास्तविक तौर पर ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से वही मुख्य रूप से माना जाता है, पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत शुभकामना। लेकिन पिंगल नाम का संवत जो होता है वो एक तरह से विप्लवकारी संवत माना जाता है, परस्पर विरोध उत्पन्न करने वाला संपत माना जाता है, समय माना जाता है। ऐसे में विरोधाभास बढ़ता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे वो राजनीतिक परंपरा के अनुसार से हो। वही प्रभाव आप पूरे विश्व में देख रहे हैं। इस वक्त युद्ध की भयावह स्थिति तो काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है और इस वक्त जो समय चल रहा है वो उसको बढ़ाता दिखाई दे रहा है। खैर, मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का अस्त होना क्या कुछ करने जा रहा है। बृहस्पति महाराज 31 मार्च से अस्त हो रहे हैं और बृहस्पति का अस्त होना, बृहस्पति हैं ज्ञान के देवता और आप समझें मीन राशि उनकी अपनी राशि है और इस राशि में वो आए हैं 12 वर्ष बाद। बड़े भाग्य से आए हैं, बड़े सुंदर तरीके से आए हैं। कहा जाता है कि बृहस्पति का परिवर्तन बड़ा ही मुख्य माना जाता है और 12 वर्ष में, पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं, गाँव में लोग आमतौर पर बोलते थे। ये सारा का सारा ज्ञान कहाँ से, 12 साल का मतलब वो पृथ्वी जो का रिवॉल्व कर जिस प्रकार से बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, तो बृहस्पति जब 12 वर्ष बाद एक जगह पर दोबारा आएगा तब वो हर किसी के भाग्य को बदल के चला जाएगा। ये पुरानी कहावत है, यानी हमारे जो पूर्वज लोग थे, ज्योतिष का ज्ञान घर घर में किस प्रकार से व्याप्त था। सोचें ये सब चीज़ें कितनी सुंदर है। भारतीय संस्कृति में समय का, कालांतर का, कैलेंडर का ज्ञान कब से किस रूप में था और आज हमने अपने कैलेंडर तक को भूल गए हम लोग। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ वीडियो डाले थे, कुछ महानुभाव, मैं बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अपने मैसेज को लिख के भेजते हैं चैनल के ऊपर कि महाराज 2023 चल रहा है, 2080 नहीं चल रहा है। अरे भैया, 2080 भारतीय संवत के अनुसार से लिखा गया है। आज हमारे समाज की विडंबना देखें कि हमारे समाज के लोगों को भारतीय संवत और वर्ष में अनुभव बात ही नहीं पड़ती। 2080 लिख रहे हैं तो बोले भविष्य में चले गए महाराज। अरे महाराज ने तो गलती करी, कहाँ करी, वो छोड़ दो। चलो भैया, आप अपनी संस्कृति को पहचानो, इस बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। खैर, आज हम इस बात पे नहीं उपस्थित हैं, आज हम बताने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ है समय और बृहस्पति का अस्त होना क्या कुछ कर सकता है आपके लिए। देखिए, बृहस्पति का अस्त होना वैसे अच्छा नहीं है क्योंकि 12 वर्ष बाद बृहस्पति इस राशि में आए थे और अब परिपूर्ण काल में थे। 21 अप्रैल के पास आसपास तो बृहस्पति परिवर्तित हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बृहस्पति यहाँ पर परिपक्व काल में आने से पहले पहले अस्त हो रहे हैं करीब करीब लास्ट 20 दिन के लिए, क्या कर रहे थे बृहस्पति यहाँ पर बैठ कर। बृहस्पति बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल त्रिकोण आपके समझ लग्नेश हो गए थे आपकी राशि के अनुसार से, लग्न में के प्रभाव में थे और कहाँ कहाँ देख रहे थे, पंचम को देख रहे थे, नवम को देख रहे थे, सप्तम को देख रहे थे लग्न के, यानी सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न कर रखा था पूरी कुंडली को बैलेंस करने के लिए। और इस वक्त जिस प्रकार का योग बन रहा है, लेकिन बृहस्पति ऐसे में राहु से ग्रसित भी चल रहे थे क्योंकि राहु और शनि के मध्य में आ गए थे, तो एक तरह से पापकर्तृ योग भी चल रहा था बृहस्पति महाराज का, तो इसलिए पूर्ण फल दे भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में और स्थिति जो खराब हुई है वो ऐसी स्थिति खराब हो रही है कि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं सूर्य के कारण से। 31 मार्च से लेकर करीब करीब जो ये रहेंगे मई के 2-4 मई तक रहेंगे, लेकिन उससे पहले 21 अप्रैल को परिवर्तन की तरफ भी चले जाएंगे। अब बृहस्पति कर क्या रहे थे, जब लग्न में बैठे थे तो आपके पर्सोना को के लिए लाभ की स्थिति बना रही थी, आपके भाग्य में, आपकी विद्या में, आपकी बुद्धि में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन साथी के, हर तरह से उन्होंने कई चीज़ों से बैलेंस करके आगे पूर्ण लाभ देने के योग बना रखे थे। ऐसे में बृहस्पति अस्त हो गए हैं। अब क्या उपाय कर हम बृहस्पति के प्रभाव को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष में कहीं बीच में मझधार में छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ का कारण है तो उसका निदान भी है, कारण जानने के बाद उसका निदान करना भी परम आवश्यक है। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है ज्योतिष का, रेमेडियल एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने किसी चीज़ को डायग्नोज कर दिया, डायग्नोज करने के बाद चीज़ निकाल दीजिए, हाँ जी ये मशीन ऐसे ख़राब है, अब उससे पूछो भैया ठीक कैसे होगी,
तो कहेगा कहीं कहेगा जी ठीक करने की व्यवस्था तो मेरे पास नहीं है, फिर ऐसे डायग्नोस का फायदा क्या? तो ज्योतिष विज्ञान में ऋषि मुनियों ने भारतीय संस्कृति में हर चीज का शोध, कर्मकांड का सिद्धांत इसीलिए विकसित किया गया। औषधि विज्ञान, मंत्र विज्ञान, उपासना विज्ञान, आशीर्वाद, अनेक प्रकार के उपाय, ये जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसीलिए तो लिखे गए हैं, कारण जानने के बाद निवारण के लिए, और बीच में मझधार में छोड़ने की स्थिति कहीं नहीं है। हर चीज का, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, चिंता की जरूरत नहीं, अगर बृहस्पति अस्त हो भी गए हैं और उन्होंने भाग्य को आपके सुनाने का कार्यक्रम बना भी दिया है सूर्य महाराज ने उनको अस्त करके, तो चिंता मत करिए, फिर भी उसका रास्ता है, लेकिन फिर भी भाग्य में कुछ ना कुछ कमी लाने के योग बन गए हैं। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, डायग्नोस तो ये साफ साफ तौर पर दिखा ही रहा है। अब बृहस्पति को उदय करने के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहला उपाय, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। इन दिनों में बृहस्पति की शक्ति को पूर्ण लाभ, देखिए परिपक्व काल में थे हमने कहा, और जैसे में बृहस्पति महाराज के साथ सूर्य भी वहां चल रहे हैं, तो एक योग बनता है बहुत बढ़िया तरीके से कि आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और उठते हुए सूर्य को अर्घ देने की व्यवस्था बनानी चाहिए। नित्यपति जब तक ये बृहस्पति अस्त रहे तो ये आप ये काम करें। सूर्य उदय होने के बाद यदि आप सोएंगे, सूर्य उदय होने के बाद आपकी नींद खुलेगी, तो ये बृहस्पति और ज्यादा आपके लिए नेगेटिव होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। यदि इस समय उन्नति चाहते हैं, कुछ काम अटका हुआ है वो परिपूर्ण की तरफ जा रहा है, तो उसको लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले उठने का आपको प्रयास करना है। सूर्य उदय से पहले उठें और भगवान सूर्य को स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य का दर्शन कर को अर्घ देने की व्यवस्था बनाएं, और उनको अर्घ देते हुए ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, कुछ भी मंत्र जो आपको याद नहीं तो गायत्री मंत्र याद होगा, उसके द्वारा भगवान सूर्य का दर्शन कर ताम्र के लोटे में जल लेकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, सबसे पहले उपाय। तो इसके साथ साथ आप हल्दी का टीका या केसर का टीका अपने माथे पर नित्यपति लगाएं। देखिए बृहस्पति महाराज का परिवर्तन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, और ऐसे में जैसा हमने आपको समझाया कि बृहस्पति जो है वो कई प्रकार के प्रभावों में फंसा हुआ है, और पूरे विश्व में जिस प्रकार का योग बना हुआ है उसका पर भी इन सब ग्रहों की अवस्था का प्रभाव पड़ेगा। देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बुद्धि सो जाएगी जो, और जो प्रभाव चल रहा है आप देखें राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देश में या विदेश में देखें तो इतने बुद्धिजीवी चल रहे हैं, उन सब का प्रभाव किस प्रकार का चल रहा है। ऐसे में आवश्यकता है बुद्धि को जगा के रखने की। बृहस्पति बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, देवता बुद्धि के देवता माने जाते हैं, उनको जगा के रखने की, उनको अस्त नहीं। बृहस्पति के सो जाने से कहा क्या हो जाता है कि ज्ञान सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, और जो गलत शक्तियां हैं वो गलत कार्य करने की तरफ आपको मन को प्रेरित करने लगती हैं। इस प्रकार के प्रभाव को इस प्रकार समझना चाहिए। आति भौतिक जो प्रभाव है ग्रहों का वो ऐसे ही तो है कि आप सब कुछ जानते बूझते समझते देखते हुए भी आपके सामने घटनाएं चली जा रही हैं, आप उन घटनाओं को रोक नहीं सकते। महाभारत की घटना आपके समक्ष उदाहरण इस प्रकार का उपस्थित करते हैं। भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, लेकिन उनके सामने व्यभिचार हो रहा है, एक खड़ा हो जाता, लेकिन जब बुद्धि सो जाती है, ज्ञान सो जाता है, तो सबका सब सामने अंधेर भी हो रहा होता है तो सब सोए पड़े रहते हैं। तो आवश्यकता है बुद्धि को जगा के रखें, उसके लिए ये उपाय हमने आपको बताया है, इसका अवश्य करें। एक उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानी जन गुरुजन की सेवा करना, गुरुजन की सेवा करना, पीले वस्त्रों का दान करना, और इस ज्ञान मुद्रा का सबसे पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर, कोई कहे कि मैं कुछ नहीं ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, पहली उंगली अंगूठे के आगे लगकर थोड़ी देर ध्यान में इस मुद्रा में अवश्य बैठें। ज्ञान मुद्रा ये बृहस्पति की उंगली है और ये अग्नि के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, हल्का स्लाइटली टच, चमत्कारी है, और बहुत बढ़िया तरह से इस सोए हुए बृहस्पति को उदय करने का काम बड़े सुंदर तरीके से करेगी। एक बात को और ध्यान रखें, अपने पिता का सम्मान विशेष तौर पर होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। पिता का विशेष तौर पर सम्मान करने का प्रयास करें, सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, और जिनके पिता हैं उनको ये काम कर सकते हैं। बाकी लोग अवश्य नित्यपति अपने पितरों के निमित्त तर्पण अर्पित करें। देखिएगा
ये प्रभाव जो है बृहस्पति का, उसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, उसका लाभ आप ले सकते हैं इन छोटे छोटे उपायों को कर। हमने प्रयास किया है कि आपके समक्ष क्या कुछ बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है अस्त होने के साथ साथ, और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं आपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।